गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का वीडियो है 2023 में कौन से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स रहे हैं। ये बहुत ही रैंडम सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं और बिलीव मी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि मेरे फेवरेट थे, बट फिर वीडियो बहुत ही लंबू हो जाता, इसलिए मैं कैटेगरी वाइज वीडियोस बाद में डालूंगी कि कौन सी कैटेगरी में मुझे कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, ताकि जो भी जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड होगा वो वीडियो बाद में देख सकता है। अभी हम लोग विदाउट डिले किए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर से। अगर उस कैटेगरी में सबसे पहला प्रोडक्ट आएगा वो आएगा फेस वॉश, और ये दो फेस वॉश है जो मेरे सबसे फेवरेट रहे हैं, लाइक ये मैंने बहुत यूज किए हैं। तो सबसे पहला है फेस शॉप का फोमिंग क्लींजर राइस वाटर ब्राइट। इसकी हालत आप देख रहे हो कि मतलब एकदम बूंद बूंद तक मैंने यूज कर डाला है इसको, एकदम इतना अच्छा है ये फेस वॉश। मैं इसे फिर बाय करने वाली हूँ। एकदम ना थिक सा रहता है ये और बहुत अच्छा फोम बनता है इसमें, तो मुझे काफी सेटिस्फाइंग सा लगता है इससे वॉश करके। काफी अच्छे से ना फेस को क्लीन कर देता है, एकदम स्किकी क्लीन। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। ये 600 समथिंग रुपीज का मिलता है। अभी इसका छोटू बैग भी आने लगा है, तो आप वो बाय कर सकते हैं इफ यू वांट टू ट्राई इट। एंड द सेकंड फेस वॉश इज प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश। लाइक अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है ना, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू दिस वन। ये मैं हर बार जब भी मुझे थोड़े से एक्ने इश्यूज होने लग जाते हैं ना, तो मैं इसको अपने कलेक्शन में रखती हूँ हमेशा। एंड दिस इज रियली रियली गुड। इसमें छोटे छोटे ना स्क्रब से है जो बहुत हार्श नहीं है। मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा स्किन को ना रब ना करें उस स्क्रब से, आप हल्के से स्किन को वॉश करें, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स ऑन एक्ने। लाइक मुझे तो काफी फायदा हुआ इससे, तो आई वुड रिकमेंडेड। अब जो सेकेंड फिफ्थ स्किन केयर में पूरा आता है वो आता है टोनर। तो ये दोनों टोनर मेरे बहुत फेवरेट है। जो फर्स्ट बात करते हैं हम प्लम के टोनर की, दिस इज ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। ये बहुत अच्छा टोनर है। मैंने काफी बार इस टोनर को आई थिंक सो फेवरेट प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किया है। सो इसके लिए भी वही सेम है कि अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, या कभी आपको लगते हैं ना बीच बीच में थोड़े बम्प्स आ जाते हैं, उस वाइज ये काफी अच्छा है, बिकॉज उसमें ग्रीन टी है ना, तो काम डाउन करता है काफी ज्यादा स्किन को। सो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। इसको मैंने अभी थोड़ा कम यूज करना शुरू किया है, तभी ये बचा हुआ है। अदरवाइज मैं इसकी 1.5 बॉटल यूज कर लेती थी पर ईयर, बिकॉज अभी मैंने ये वाला टोनर इंक्लूड कर लिया अपने स्किन केयर में। दिस वन इज वंडर का सेरामाइड मोची टोनर, टोनी मोली ब्रांड का है ये। ये वन ऑफ द बेस्ट टोनर मैंने यूज किया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर में से मैं इसे काउंट करूंगी। ये इतना ज्यादा अच्छा है, इसमें सेरामाइड है, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा नाइट टाइम में इसे यूज कर रही हूँ, लाइक मोर देन 6 मंथ्स, तब भी ये इतना ही खत्म हुआ है। और इसका जो प्राइस है आई थिंक सो 1000 and something है, बट मैंने बहुत अच्छे सेल में लिया था नायका में, वो हॉल होगा कहीं तो मैं यहाँ डाल दूंगी उसके लिंक, उस टाइम मैंने लिया था। और मैं इसको लगातार यूज कर रही हूँ, लगातार, मतलब ये इतना बढ़िया है ना, इतना स्किन को हाइड्रेट कर देता है, इससे मुझे काफी फायदा होता है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है सीरम। तो सीरम में मैंने दो ही ऑप्शंस लिए हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये कॉस्मेटिक्स का एडवांस नेल मशीन पावर एसेंस, और ये आप देख चुके हो इसकी हालत, लगी इतना ही बचा है बस, बहुत यूज किया है मैंने, ये खत्म हो चुका है मतलब ऑलमोस्ट, और ये सेकंड बॉटल ऑलरेडी मैं मंगा चुकी हूँ। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है यार, स्किन को इतना हाइड्रेट कर देता है, स्किन में ना बहुत अच्छे से एकदम प्लम्पी सा बना देता है स्किन को। मुझे लगता है हर स्किन टाइप को सूट करेगा, कुछ को छोड़ के जिनको अगर एलर्जी है स्नेल मुकिन से, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा शायद रिएक्शन कर सकता है। सो अदरवाइज अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है ना, तो आप आराम से प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक्ने वगैरह के इन्फ्लेमेशन के लिए भी काफी अच्छा है ये मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ये लॉरेल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम है 1.5%। ये भी थर्ड बॉटल है, ये मैं और मोहित दोनों यूज करते हैं, मतलब मैं उसको जबरदस्ती यूज करने को बोला है, बिकॉज उसकी थोड़ी ड्राई स्किन है, एंड उसको भी काफी अच्छे से सूट किया, और मैं खुद यूज करती हूँ बीइंग इन कॉम्बिनेशन / ऑयली स्किन, मुझे भी ये काफी यूजफुल रहता है, मतलब ये काफी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। और अगर आपको थोड़ी भी ड्राइनेस लग रही है, लाइक पैचेस भी लग रहे हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं विंटर्स में, तो आप डेफिनेटली ये वाला यूज कर सकते हैं। एंड हाइलुरोनिक एसिड और इसका कॉम्बिनेशन तो मतलब मैजिक पोशन है आपकी स्किन के लिए, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इतना फंबल कर रही हूँ ना आज, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो आता है मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर में भी काफी मॉइस्चराइजर्स मैंने यूज किए, बट जो सबसे ज्यादा मैंने यूज किए हैं वो ये फॉक्सटेल का सीरामाइड मॉइस्चराइजर है। 24 आवर्स अब हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, ये थर्ड बॉटल है, तो मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है, एंड ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का है यार, ना बहुत ज्यादा थिक है ना ज्यादा बहुत थिन है,
तो परफेक्ट लगता है मुझे। एंड मैं इसको मोस्टली नाइट स्किन केयर में यूज करती हूँ, मैं जो भी सीरामाइड वाली चीजें हैं वो नाइट स्किन केयर में ज्यादा यूज करती हूँ। एंड जो सेकेंड मॉइस्चराइजर है वो डॉट एंड की का सीरामाइड्स एंड हाइलोरॉनिक स्किन बैरियर फेस क्रीम है। ये फॉक्सटेल वाले से भी अच्छा है, बिकॉज एक तो ये इससे सस्ता है, ये 399 समथिंग का है या 395 का, एंड देन इसकी मुझे कंसिस्टेंसी इससे ज्यादा अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, दोनों ही मेरे फेवरेट है, बट ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे काफी लाइट वेट लगता है, एट द सेम टाइम स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक बाय करना चाहते हैं ना, मैं बोलूंगी गो फॉर दिस वन। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन भी, तीनों स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है ये, एंड मैंने काफी ज्यादा यूज किया है। ये मेरी थर्ड बॉटल है इसकी भी, एंड आई लव्ड इट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मैं ना हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कम बोलूं, मतलब अपने वीडियोज में कम डिस्क्राइब करूं, ऐसे ना दिखाऊं कि ये ब्रांड मेरा ही है खुद का, बट पता नहीं क्या होता है जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जितना बता पाऊं उतना कम है। तो अगर आपको लगता है ना मैं बहुत बकबक करती हूँ तो प्लीज इग्नोर कर लेना, एंड वीडियो क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सनस्क्रीन में, एंड इसमें भी सेम मैंने दो प्रोडक्ट चूज किए हैं, वो है एकोलॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक मुझे ना अभी लेटली बहुत ज्यादा ड्राई चीजें और मैट चीजें उतनी ज्यादा फेवरेट नहीं लगती, मुझे ड्यूई लुक अपने फेस पे अच्छा लगता है, तो उस वाइज ये काफी अच्छा है। अगर आपको नए भी पसंद हो तो बहुत ज्यादा ड्यूई नहीं है, लाइक आपका एकदम चमकता हुआ चेहरा नहीं कर देगा, बट इट्स रियली नाइस, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। मॉर्निंग में मैं सिर्फ सीरम के बाद इसे यूज कर लेती हूँ। इजी वीजी अगर मैं स्किन केयर की बात कहूँ तो सीधे मैं इसे यूज करती हूँ, मैं सीरम नहीं, क्या बोला मैंने, हाँ मैं मॉइस्चराइजर नहीं यूज करती हूँ, डायरेक्ट इसे लगा लेती हूँ, एंड इट्स रियली नाइस। और उसके बाद अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ, उल्टा पैकेजिंग है, उसके बाद अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ तो डॉक्टर शेत का हल्दी एंड हाइलोरॉनिक एसिड सनस्क्रीन SPF 50 प्लस PA ट्रिपल प्लस भी काफी अच्छा सनस्क्रीन है, मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, अच्छे से स्किन प्रोटेक्ट करता है। ये मैं भी ट्रिप में गई थी तो मैंने काफी यूज कर लिया, ये शायद थर्ड या सेकेंड ट्यूब है, एंड काफी बार मैंने यूज किया है इसे भी, ये काफी मॉइस्चराइज रखता है स्किन को। मॉर्निंग स्किन केयर में मैं सीधे अगर से यूज कर लूं तो ये काफी बढ़िया रहता है, और ये बहुत ही थिक है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कोई व्हाइट कास्ट दोनों नहीं छोड़ता है, जो कि बेस्ट थिंग है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर है, लाइक आप बोल सकते हो मेरी लाइफ का, है लिप बाम, क्योंकि इनके बिना तो ना मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती। जो फर्स्ट वन है वो है ये प्लम का, पूरा खत्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने बचाया है वीडियो पर्पस के लिए। यह प्लम का कैंडी मेल्स वीगन लिप बाम रेड वेलवेट लव, मैं एक और वर्जन इसका बाय करने वाली हूँ, एंड आई रियली लाइक इट, काफी थिक है, काफी मॉइस्चराइजिंग है, लिप्स को काफी देर तक हाइड्रेटेड लगता है, विच इज द मेन कंसर्न जिसके लिए लिप बाम मैं यूज करती हूँ। उसके बाद जो सेकंड लिप बाम है वो ये डर्माको का सीरामाइड लिप बाम है SPF 30। आई डोंट नो, मैंने देखा कि बहुत लोगों ने ये शेयर नहीं किया है, बट बिलीव मी इट्स अ रियली नाइस लिप बाम। ये ना एकदम ऐसा ट्रांजी है, इसमें कोई कलर एंड टेंट वगैरह नहीं है, मुझे लगा था थोड़ा हार्ड होगा, यू नो उसको काफी देर तक हाथ में पहले मुझको करना पड़ेगा, रब देन मैं यूज कर सकती हूँ, बट नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पहले पहले थोड़ा हार्ड था, अब तो आराम से मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लिप बाम है यार, मतलब अगर आपको लिप्स चैप लिप्स की प्रॉब्लम है ना, मैं एक बार डेफिनेटली इसको ट्राई करने को बोलूंगी, काफी अच्छा है, काफी लिप को मॉइस्चराइज करता है, काइंड ऑफ मेरे लिए नाइट ट्रीटमेंट जैसा काम करता है, मैं इसको लगा के सो जाती हूँ एक मोटी लेयर काफी रब करने के बाद, एंड मेरे लिप्स काफी ज्यादा हील हो जाते हैं ओवरनाइट। एंड जो थर्ड लिप बाम है सर, रियली नाइस लिप बाम, ये काफी अफोर्डेबल है, दिस वन इज लोटस हर्बल का रेसबरी लिप बाम, एंड ये लिप बाम मैं बहुत ज्यादा सालों से यूज कर रही हूँ, मैं इसको हमेशा ही रखती हूँ, लाइक अभी खत्म होने वाला है ना मैं फिर बाय कर लूंगी, ये रहता ही है, और मेरे चैप लिप्स में जो कुछ काम नहीं करता ना तो ये काम करता है। एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है हेयर केयर रेंज में, एंड स्टार्ट करते हैं शैम्पू से, तो शैम्पू से मैंने दो ऑप्शन इंक्लूड किए हैं, एक है रिक्वेल का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एंड द सेकेंड वन इज टी ट्री शैम्पू था लव ब्यूटी एंड प्लैनेट ब्रांड का, वो मैं पूरा यूज कर चुकी हूँ, एंड मैंने उसका डब्बा फेंक दिया, मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी उसकी फोटो। वो ना काफी ज्यादा अच्छा शैम्पू लगा था मुझे, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करते हैं ना, एंड आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके जो भी स्कैल्प में बिल्डअप हो रहा है और आपको थोड़ा इचीनेस लग रहा है ना, तो उस वाइज आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगी कि मैं 10 दिन में एक बार यूज करती थी, इससे मुझे अपना स्कैल्प बहुत ज्यादा क्लीन लगता था, एंड काफी ज्यादा अच्छा शैम्पू है,
डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं आप। उसके बाद ये वाला है रिक्वेल का, ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए लिया था मैंने, बहुत अच्छे से वर्क किया था मेरे स्कैल्प पे। मैंने ना बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन से ऑर्डर किया था, ये कुछ सेल चल रही थी, इसमें विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7 है एंड काफी ज्यादा अच्छा शैम्पू है, बहुत लाइट वेट है एंड अच्छे से स्कैल्प को क्लीन भी कर देता है एंड एट द सेम टाइम हेयर फॉल को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैसे कंट्रोल, मतलब फ्रिजीनेस नहीं करता बहुत ज्यादा, तो हेयर फॉल अपने आप थोड़ा कंट्रोल में रहता है। और एकदम अकेला प्रोडक्ट ही वर्क नहीं कर गया था मेरे हेयर फॉल में, वो आपको मिलेगा आगे वाले वीडियो में, एकदम मस्त मैं पूरा इंक्लूड करूंगी सब कुछ कैसे मैंने हेयर फॉल कंट्रोल किया। अब नेक्स्ट आते हैं कंडीशनर्स पे। सो फर्स्ट वन इज विश केयर का राइस वाटर कंडीशनर, फर्मेंटेड राइस वाटर कंडीशनर। कंडीशनर बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी अच्छे से फ्रिज वगैरह कंट्रोल कर लेता है एंड काफी सही वर्क करता है। 399 समथिंग रुपीज का है और मैंने सेल पे लिया था। अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो है हेयर मास्क के वर्जन बेरीज का, वो भी राइस वाटर एंड चिया सीड्स। सो मैंने नोटिस किया कि राइस वाटर होता है ना, ये फर्मेंटेड राइस वाटर, ये मेरे हेयर्स पे काफी अच्छे से काम करता है, इसलिए मैंने सेकंड कंडीशनर भी बर्ड्स एंड बेरीज का राइस वाटर ही लिया और ये काफी अच्छे से काम किया मेरे मतलब मैं बोलूंगी हेयर्स। अगर आप कोई बजट पे कंडीशनर सर्च कर रहे हैं ना, सो यू कैन बाय दिस वन, इट वर्क्स रियली नाइस। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज सीरम, और सीरम से मेरा जो फेवरेट है वो है ये लॉरेल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम। ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, मतलब ये मुझे लगता है कि एकदम हाई प्रोडक्ट्स है, काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे इसके एंड ये है इट्स वर्थ इट। एक तो प्राइस बहुत सही है इसका, आई थिंक सो ये मैंने 499 समथिंग में लिया था, सेल वगैरह में काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता, तो आप छोटू बॉटल में मिलने लगा है ना, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, आपको सूट कर रहा है कि नहीं, सो आप उस अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अब सेकेंड जो ऑप्शन है वो है लॉरेल पेरिस का ये ड्रीम ब्लेंस नो हेयरकट क्रीम। मैं ये इतना यूज कर रही हूँ ना, मतलब ये दो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं कॉम्बिनेशन में, काफी अच्छे से फ्रिज को एकदम कंट्रोल करते हैं एंड आई रियली लाइक दिस, और काफी अच्छा स्मूथ कर देता है, आप इसको पहले लगाएंगे ना थोड़ा सा डैम्प हेयर में एंड इट वर्क्स रियली वेल, आपको नॉट वगैरह नहीं बनेंगे अगर आपको वो प्रॉब्लम है। तो थर्ड है वो ये हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे है, ये ट्रेसेमे ब्रांड का है और ये मैंने लास्ट ईयर पहली बार इंक्लूड किया है। वेरी फ्रैंक मैंने बहुत ज्यादा हेयर अप्लायंसेस यूज ही नहीं किए बिकॉज मुझे बहुत लास्ट ईयर लाइक 2022 में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, सो आई अवॉइडेड हेयर अप्लायंसेस। मैं सिर्फ ड्रायर कभी कभी यूज करती थी वरना मैं एयर ड्राई होने देती थी अपने बालों को एंड सो ये काफी कम यूज हुआ है, हाफ बॉटल से भी कम, बट इट्स रियली नाइस। नाउ जंप ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मेकअप। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइमर की, तो अगर आप एकदम मेकअप बिगनर हैं और आप कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग भी है, बहुत ज्यादा मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लैक्मे की लूमी क्रीम ले सकते हैं। ये मैंने इतनी यूज की है, मेरी सेकंड ट्यूब है, मैं ऑलरेडी एक ट्यूब यूज कर चुकी हूँ, मैं यही यूज करती हूँ समटाइम्स, मैं मॉइस्चराइजर के बाद यही यूज करती हूँ, देन ब्लश लगाती हूँ, लिपस्टिक एंड देन आई एम गुड टू गो। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, फाउंडेशन मैं नहीं यूज करती हूँ बाहर, इनफैक्ट मैं कंसीलर भी कई बार नहीं यूज करती हूँ। प्यारा सा लाइट पिंकिश से कलर का है ये और काफी अच्छा सा ग्लोई सा लुक दे देता है, इसकी हालत बहुत खराब हुई पड़ी है, इतना ज्यादा यूज किया है मैंने। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाउंडेशन एंड फाउंडेशन में भी दो रिकमेंडेशन है मेरी, एक तो लैक्मे 925 एंड नेक्स्ट है मेबेलिन का फिट मी एंड इसमें शेड है मेरा 230 नेचुरल बफ। इसमें मैं दो तीन शेड्स ट्राई कर चुकी हूँ पर बेसिकली सारे नेचुरल वाले ही, और ये भी जो शेड है ना यार मेरा शायद नेचुरली समथिंग है, मैं दे दूंगी शेड या नेचुरल न्यूट्रल मीडियम है, परफेक्ट है ये शेड मेरी स्किन पे। तो ये दोनों ना काफी अच्छे ऑप्शंस है, ये इतने लाइट वेट है, एट द सेम टाइम बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। एक तो क्या है ना, पैची पैची से एकदम फीलिंग नहीं देता है, एट द सेम टाइम ब्लेंड हो जाता है, इसको आप लेयर अप कर सकते हैं विच इज अ नाइस थिंग। सो कभी कभी पीछे बस मैं थोड़ा सा ट्राई करने के लिए चीजें कुछ और यूज कर लेती थी, बट आई ऑलवेज यूज टू गेट बैक टू बोथ ऑफ दीज एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंसीलर। सो कंसीलर में ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ही बजट में है एंड मेरे पास दो कंसीलर और थे बट मैं हमेशा ये वाला यूज करती थी। दिस वन इज स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, ये मैंने एक और बाय कर लिया है बिकॉज ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ये 04 में मैंने लिया है, अच्छे से एकदम ना ब्लेंड हो जाता है एंड हल्का फुल्का मीडियम कवरेज देता है एंड डार्क सर्कल्स भी थोड़ा बहुत कवर कर लेता है। उसके नीचे मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करती हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, तो इसमें आपको कंसील करेक्ट कॉन्टोर दोनों मिल जाते हैं, मैं इसमें ऑरेंज करेक्टर यूज करती हूँ मेनली, सो एक पीच कलर में और एक बेज कलर में, वो दोनों भी मैं यूज करती हूँ पर ऑरेंज करेक्टर मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। इसमें प्राइस बहुत कम है जहां तक मुझे याद है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं ये दोनों भी, आई थिंक सो अंडर 250 हैं दोनों,
जहां तक मुझे याद है, एंड इट्स अ नाइस ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट जो है वो ब्लश है। ब्लश में भी ये ब्लश है जो सबसे ज्यादा मैंने वेयर किया, इसलिए मैं इसे ही इंक्लूड करूंगी। अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट है, वो जिसका शेड इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको अलग से दे दूंगी शेड। ये काइंड ऑफ टोमेटो रेड सा शेड है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एंड ये काफी ऐसे लाइट सा एकदम ही मतलब बटरी सा लुक देता है। बटरी पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, वो बहुत अच्छा ग्लोई सा लुक देता है। नहीं, सबसे ज्यादा यही यूज किया है, और भी ब्लश थे, मैक्सिमम मैंने यूज किया है। इसके बाद काजल में ये तीन है जो मैंने मेनली यूज किए हैं, काजल स्लैश आईलाइनर। पहला जो है वो के ब्यूटी का है। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे पता है, मैंने काफी अच्छे रिव्यूज सुने उनके, बट मेरे पास एक काजल है और ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, और जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो काफी देर तक स्टे करता है, सो काफी अच्छा लगा मुझे ये। प्रॉपर जेट ब्लैक कलर का है ये। एंड उसके बाद ब्लू हेवन का, ये ब्लू कलर का काजल है, ये भी मैं काफी यूज करती हूँ, काफी वीडियोस में मैंने वेयर किया है ये, एंड मुझे काफी बढ़िया लगा था। इसका पिगमेंटेशन एंड ऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन कर जाता है, सो इसलिए मुझे ये वाला भी काफी बढ़िया लगता है। उसके बाद स्विस ब्यूटी का गोल्ड फेल्ट टिप आईलाइनर है। लिक्विड रहता है बट ऐसे पेंसिल की पेन की शेप में रहता है, काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। मैंने ना मेबेलिन के बहुत यूज किए हैं, मुझे ये वाला भी अच्छा लगा। मैं काफी दिन से रखी हुई हूँ बट ये एकदम ड्राई आउट नहीं हुआ है अभी तक, इसमें है मतलब कंसिस्टेंसी लिक्विडी, तो आई लाइक इट। और ये तीनों काफी अच्छे लगे मुझे। एंड द नेक्स्ट जो है वो ब्लश है। ब्लश में भी ये ब्लश है जो सबसे ज्यादा मैंने वेयर किया, इसलिए मैं इसे ही इंक्लूड करूंगी। अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट है, वो जिसका शेड इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको अलग से दे दूंगी शेड। ये काइंड ऑफ टोमेटो रेड सा शेड है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एंड ये काफी ऐसे लाइट सा एकदम ही मतलब बटरी सा लुक देता है। बटरी पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, वो बहुत अच्छा ग्लोई सा लुक देता है। नहीं, सबसे ज्यादा यही यूज किया है, और भी ब्लश थे, मैक्सिमम मैंने यूज किया है। इसके बाद काजल में ये तीन है जो मैंने मेनली यूज किए हैं, काजल स्लैश आईलाइनर। पहला जो है वो के ब्यूटी का है। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे पता है, मैंने काफी अच्छे रिव्यूज सुने उनके, बट मेरे पास एक काजल है और ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, और जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो काफी देर तक स्टे करता है, सो काफी अच्छा लगा मुझे ये। प्रॉपर जेट ब्लैक कलर का है ये। एंड उसके बाद ब्लू हेवन का, ये ब्लू कलर का काजल है, ये भी मैं काफी यूज करती हूँ, काफी वीडियोस में मैंने वेयर किया है ये, एंड मुझे काफी बढ़िया लगा था। इसका पिगमेंटेशन एंड ऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन कर जाता है, सो इसलिए मुझे ये वाला भी काफी बढ़िया लगता है। उसके बाद स्विस ब्यूटी का गोल्ड फेल्ट टिप आईलाइनर है। लिक्विड रहता है बट ऐसे पेंसिल की पेन की शेप में रहता है, काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। मैंने ना मेबेलिन के बहुत यूज किए हैं, मुझे ये वाला भी अच्छा लगा। मैं काफी दिन से रखी हुई हूँ बट ये एकदम ड्राई आउट नहीं हुआ है अभी तक, इसमें है मतलब कंसिस्टेंसी लिक्विडी, तो आई लाइक इट। और ये तीनों काफी अच्छे लगे मुझे। उसके बाद अगर लिपस्टिक की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारे प्रोडक्ट से मुझे ऑप्शंस बहुत मुश्किल से चूज किए हैं मैंने, मेरे इतने फेवरेट्स हैं इनमें से, बट मैंने ये चार बेसिकली निकाली जो मैंने सबसे ज्यादा यूज किए हैं, करके बताती हूँ मैं। सबसे पहले ये प्लम की स्किन लविंग मेकअप लिपस्टिक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है, लाइक ये बुलेट लिपस्टिक है, बट इसका जो मतलब कंसिस्टेंसी है, इसका जो स्टेइंग है, इसका जो पिगमेंटेशन है ना, वो वन ऑफ द मैं बोलूंगी बुलेट लिपस्टिक में से मुझे बेस्ट लगा। और ये जो शेड है मेरा, ये है प्लश आर, ये बहुत ही अच्छा सा ना पीची सा शेड है, और पिंक एंड पीची मिक्स न्यूड सा एकदम मेरे ऊपर तो एकदम न्यूड सा लुक देता है ये, सो आई रियली लाइक इट। ऑफिस वेयर कॉलेज वेयर के लिए काफी अच्छा है, काफी अफोर्डेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो ये, ओके लेट मी शो यू दिस वन, ये है हीरो ब्यूटी की नटमैग न्यूड। बहुत बार दिखा चुकी हूँ आप मेरे रील्स में, कई बार देखेंगे तो ये ना एकदम से रस्टी ब्राउन सी न्यूड लिपस्टिक है, बहुत अच्छी। ये अभी जितनी आपको ग्लॉसी सी दिख रही है ना, जब ये एकदम स्टेबल हो जाती है ना, तो उसके बाद एकदम न्यूड वाला ही लुक आता है इसका, न्यूड लिपस्टिक का, वन ऑफ द बेस्ट न्यूड लिपस्टिक्स है ये। डेफिनेटली आप ये वाली भी ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ड्राई आउट नहीं करती है, स्टेइंग पावर काफी ज्यादा अच्छी। एंड द नेक्स्ट वन इज मामा अर्थ की लिपस्टिक, ये है मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। मैं बहुत कह रही हूँ, मैं और भी इसके ना शेड ट्राई करने वाली हूँ, बिकॉज काफी अच्छी लिपस्टिक है, प्यारी सी पिंकी सी न्यूड। आप देखेंगे ना, ये प्लम की और इसका शेड थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट लिप्स पे डिफरेंट लगता है। ये काफी अच्छा शेड है, काफी अच्छी कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। लाइक जब भी मेरे लिप्स बहुत ज्यादा चैप्ड होते हैं ना, तो मैं ये वाली लिपस्टिक यूज करती हूँ, बिकॉज ये काफी ज्यादा अच्छे से ग्लाइड ऑन कर देती है और लिप्स को ड्राई नहीं करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज लैक्मे की ये मैट लिपस्टिक है, मिनी लिपस्टिक, न्यूड अम्ब्रेला इसका शेड है, एंड काफी बढ़िया। जैसे जो लिपस्टिक मैंने अभी वेयर की है ना, इसी जैसा शेड है इसका, बट थोड़ा सा एकदम ना लाइट साइड में है, बहुत अच्छा सा सटल सा पिंक लुक देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये ब्रश है, ये है पैक का ब्रश इन द
265 इसका है ब्रश नंबर। ये ना काफी अच्छा फाउंडेशन ब्रश है, मैं मोस्टली इसे यूज करती हूँ। मतलब मेरे पास ब्रश हैं बहुत सारे जो अफोर्डेबल हैं, जो मतलब एकदम पैक में मिलते हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रश बोलूंगी मैं। ये आई थिंक सो खुद ही 400 समथिंग का, ऐसे 500 समथिंग का है, मैंने सेल में लिया था ये। बट अगर आप सिर्फ फाउंडेशन ब्रश कोई ढूंढ रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली ये वाला ले सकते हैं। काफी ज्यादा सॉफ्ट है, काफी फ्लफी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर और ये दोनों यूज करती हूँ, एंड आई रियली लाइक दिस वन। द नेक्स्ट वन इज अ मेकअप फिक्सर स्प्रे, एंड उसमें जो फर्स्ट बोलूंगी मैं वो निक्स का है मैट फिनिश मैट। और ये मैंने ना एक डुई वाले में भी मंगाया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसका कैप कहीं गुम हो गया है। एंड ये काफी बढ़िया स्प्रे है, अच्छे से मेकअप को पुट ऑन रखता है। लाइक अगर मैं ऑफिस और यूट्यूब दोनों कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ मेकअप करके अगर कभी कभी ऑफिस करती हूँ, बीच में वीडियो बनाती हूँ, तो ये अच्छे से मेकअप को एकदम मेंटेन रखता है, एंड काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड अगर आप और भी अफोर्डेबल कुछ ढूंढ रहे हैं ना, तो ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल है। इसमें थोड़ी सी स्मेल है, पर उतनी ज्यादा नहीं है जैसे आपको प्रॉब्लम हो, मतलब लाइक मुझे प्रॉब्लम है स्मेल से थोड़ी, ये पर उतनी ओवरपावरिंग नहीं है, एंड मुझे काफी अच्छा लगा उस वाइज। सो ये भी एकदम मेकअप को अच्छे से पुट ऑन रखा है। आपको थोड़े लॉन्ग टाइम तक मेकअप वेयर करना है ना, सो डेफिनेटली थोड़ा मेकअप फिक्सर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, पर ये दोनों मेरे फेवरेट हैं इस ईयर में। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ये मेकअप रिमूवर्स हैं, एंड ये है फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट रिच क्लींजिंग ऑयल। मैं इसे यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, ये बहुत थोड़ा सा यूज करना होता है आपको, इसलिए काफी चलता है। मैं अगर इन दोनों में से बोलूँ तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा, ऑल दो ये कैरी वगैरह करने में ज्यादा ईजी है, बट ये मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा, बिकॉज एक तो स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता, अच्छे से मेकअप निकाल देता है। ये भी ले सकते हैं बायोडर्मा का, इसके बाद में ओरिजिनल वाला जो है ना एकदम वो वाला लूंगी। एंड ये भी काफी अच्छा है, मुझे कोलेबोरेशन में आया था, तब से मेरे पास है, फिर मैंने खरीद लिया था, मैंने छोटू डब्बा मुझे आया था, मैंने बड़ा ले लिया था। चीजें मेकअप को रिमूव करता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, तो डबल क्लींजिंग में काफी काम आता है, तो मुझे दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। उसके बाद आते हैं हम अब रैंडम प्रोडक्ट्स में। सो 2022 में मैंने काफी ज्यादा रेजोल्यूशन लिए थे कि मैं बुक्स पढ़ूंगी। मुझे बुक्स पढ़ना पहले बहुत अच्छा लगता था, बट अभी काम के चक्कर में एंड देन फिर थोड़ा चिलेक्स के चक्कर में बुक्स नहीं पढ़ती हूँ मैं, तो मैंने इसलिए 2023 में बुक्स पढ़ी हैं। उसमें से जो दो फेवरेट्स बुक है मेरी नॉन फिक्शन बुक्स हैं, और बुक्स रीड नहीं की है मैंने, और डेफिनेटली मैं वो और इम्प्रूव करना चाहूंगी, तो उस वाइज मैं दो बुक्स बोलूंगी जो मेरी फेवरेट है। एक तो इकिगाई है सेल्फ हेल्प बुक, और एक गुड वाइब्स गुड लाइफ है। ये दोनों ही बुक्स मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। नॉन फिक्शन में कोई बुक्स ढूंढ रहे ना, तो आप डेफिनेटली इसे स्टार्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। उसके बाद दो मिस्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, बॉडी मिस्ट, वो है बाथ एंड बॉडी वर्क से। सो ये है हेलो ब्यूटीफुल, काफी अच्छा सा, तो काफी अच्छा फ्लोरी से इसका फ्रेग्रेंस है, एंड मुझे काफी बढ़िया लगा क्योंकि लाइट है, बहुत ज्यादा माइग्रेन इंड्यूस नहीं करता मुझे, जो कि मेरी मेन प्रॉब्लम है। बहुत ओवरपावरिंग सी मैं स्मेल बियर नहीं कर पाती हूँ, फ्रेग्रेंस नॉट स्मेल। और उसके बाद ये है 1000 विशेस, ये भी बाथ एंड बॉडी से है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, तो अगर आप बाहर वगैरह जा रहे हैं रात को डिनर वगैरह में, तो ये काफी अच्छा है उस वाइज। ये दोनों मुझे काफी अच्छे लगे, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट मैंने दो इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे मिस्ट यूज किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाद एसेसरीज में ये पेंडेंट है, मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया, डिटेल्स एंड ऑल अगर मुझे मिलेगा तो मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही प्यारा पेंडेंट है, ये ना एंटी टार्निश है, वो सच में टार्निश नहीं हुआ, मैं काइंड ऑफ इसे डेली वेयर में पहन रही हूँ बिकॉज मैं अपने वो चेन से बोर हो गई थी, तो ये उस वाइज बहुत अच्छा है। फुल पिक एंड ऑल मैं यहाँ डाल दूंगी क्लोज पे, एंड यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का ना एमरल्ड मिल जाता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये, एंड साइड ने पूरा गोल्ड, एंड बहुत ही छोटू सा है, तो मुझे काफी अच्छा एलिगेंट सा लगता है, एंड देन एट द सेम टाइम बहुत चुभ नहीं रहा, बहुत प्यारा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड ये मुझे 500 अराउंड का था उस स्टोर में, तो मैंने लिया था, एंड क्वालिटी इज A1। के बाद एसेसरीज में मैंने सबसे ज्यादा, मतलब बोलूंगी अगर मैक्सिमम, और जो मुझे अच्छे लगे वो ये हुप्स हैं, एंड ये मैंने जस्ट लिटल लिली ओरिजिन से लिए थे। एक तो खराब सा भी हो गया इसमें और वो बहुत अच्छा भी नहीं लगा मुझे, बट ये दो हुप्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड मैं मोस्टली इसे वेयर करती हूँ, काफी प्यारे हैं, वेयरेबल है, बहुत ही क्यूट है, एंड लाइट वेट है, विच आई रियली लाइक। एक्चुअली में तो बहुत सारे आइटम है जो कि मैंने इंक्लूड भी नहीं किए क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता, तो अब मैं क्या करूंगी ना, मंथली फेवरेट्स वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगी। और अगर आपको इस काइंड ऑफ वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉमनली फेवरेट है हम लोगों का, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो या गाइस, बाय बाय।